हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कुमार और आप सभी का भी हिंदी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है स्विच CSR 762। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 3.7 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलता है। टॉप स्पीड इसमें आपको 110 किलोमीटर प्रति घंटा की देखने को मिलेगी। रेंज की बात की जाए तो 120 किलोमीटर पर चार्ज की देखने को मिलेगा। PMSM मोटर का यूज किया गया है जो कि 3000 वाट का है। ड्यूअल डिस्क ब्रेक दी गई है, दोनों ही चक्कों में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। और कुछ फीचर के बारे में बात की जाए तो चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, GPS दिया गया है, बैटरी मेंटेनेंस दी गई है और आप अपने बाइक को लोकेट भी कर सकते हैं। तो इस बाइक का प्राइस आपको 1.65 लाख के अराउंड पड़ने वाला है। ये गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये गाड़ी अक्टूबर 2023 तक लॉन्च होने की संभावना है। तो इस लिस्ट में 4वें नंबर पर है रैप्टी इलेक्ट्रिक बाइक। इसमें आपको 135 किलोमीटर पर घंटा का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। रेंज की बात की जाए तो 150 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज भी देखने को मिलेगा। 0 to 60 किलोमीटर जाने में ये गाड़ी 3.5 सेकंड लेती है। फास्ट चार्जर से 0 to 80% चार्ज होने में इसको लगभग 45 मिनट लगते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है, ऑडोमीटर दिया गया है और ये गाड़ी 2023 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। तो इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है हीरो इलेक्ट्रिक AE47। ये हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका लोगों का बेसब्री से इंतजार था कि हीरो कब अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने वाली है। तो इसमें आपको 3.5 किलोवाट आवर का स्वैपेबल लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 85 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। 4 किलोवाट का हब मोटर यूज किया गया है। 0 to 60 के स्पीड जाने में ये गाड़ी 9 सेकंड के करीब लेती है। चार्जिंग होने में इसे करीब 4 घंटे लग जाते हैं। रेंज की बात की जाए तो 160 किलोमीटर पर चार्ज का उम्मीद किया जा रहा है। इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 1.5 लाख के करीब होने वाला है। इस गाड़ी को 2023 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दूसरे नंबर पर है टॉक कार्टोस एक्स। ये पुणे बेस्ड कंपनी है और इसे ऑटो एक्सपो 2023 में देखा गया था। इस गाड़ी में आपको 4 मोड देखने को मिलेंगे, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट एंड रिवर्स मोड। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 105 किलोमीटर पर घंटा का टॉप स्पीड दिया गया है। रेंज आपको 180 किलोमीटर के लगभग मिलने वाली है। चार्जिंग टाइम आपको 4 से 5 घंटे के करीब लग सकते हैं। फास्ट चार्जिंग से चार्ज करने पर 0 to 80% 1 घंटे में हो सकती है। इस गाड़ी में मैक्सिमम टॉर्क 38 Nm का देखने को मिलेगा। प्राइस की बात की जाए तो 1.8 to 1.9 लाख के बिटवीन ये गाड़ी आपको मिलेगी। लॉन्च की बात की जाए तो जुलाई और अगस्त तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है 2023 में। तो नंबर 1 पर है इमोट इलेक्ट्रिक। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक सर्ज 6K और एक सर्ज 10K। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्ज 6K के बारे में। तो इसमें आपको टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। रेंज आपको 450 किलोमीटर पर चार्ज की देखने को मिलेगी विथ 3 बैटरी। 0 to 60 की स्पीड जाने में ये गाड़ी लगभग 5 सेकंड लेती है। मैक्सिमम टॉर्क आपको 20 Nm का देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस आपको 1.5 लाख के अराउंड पड़ने वाली है। इसमें 3 मोड दी गई है, डिस्टेंस मोड, बैलेंस्ड मोड और परफॉर्मेंस। रिवर्स मोड भी इस गाड़ी में दिया गया है। तो अब बात करते हैं सर्ज 10K के बारे में। तो इसमें आपको टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। रेंज आपको 450 किलोमीटर पर चार्ज की देखने को मिलेगी। 0 to 60 की स्पीड जाने में यह गाड़ी लगभग 3.9 सेकंड लेती है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1.35 लाख के अराउंड पड़ने वाला है। मैक्सिमम टॉर्क आपको 28 Nm का देखने को मिलेगा। ये गाड़ी 2023 के लास्ट तक लॉन्च हो सकती है। तो इसी प्रकार से EV से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल EV हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बोले गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।